मोदी सर ने मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई। शीर्ष अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी। इसके साथ ही लोकसभा के सदस्य के रूप में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की बहाली का रास्ता भी खुल गया है। लेकिन इसके साथ ही अब ये भी जानना जरूरी हो गया है कि क्या पीएम पद को लेकर अब कांग्रेस का स्टैंड बदलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर अब विपक्षी गठबंधन इंडिया पर पड़ेगा। राहुल गांधी की सजा के बाद कांग्रेस गठबंधन में बैकफुट पर दिख रही थी। अब तक कांग्रेस प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन राहुल की सजा पर रोक के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस पीएम फेस पर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी ठोकेगी। लंबे समय से राहुल गांधी को कांग्रेस प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है। ऐसे में जब राहुल वापस आ गए हैं तो कांग्रेस 2024 का मौका नहीं छोड़ना चाहेगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के टक्कर का नेता बताने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की दलील है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में जबरदस्त सुधार आया है। हालांकि विपक्षी गठबंधन के कई दलों में ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के नाम पर इशारों इशारों में ही असहमति जता चुके हैं। नीतीश कुमार, शरद पवार जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षा भी प्रधानमंत्री बनने की है। हालांकि नीतीश कुमार मीडिया के कैमरों के सामने बार बार कहते रहे हैं कि वो इस रेस में है ही नहीं, लेकिन ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। सबको पता है कि विपक्ष को जोड़ने चले नीतीश बाबू की असली मंशा क्या है। ऐसे में अगर कांग्रेस राहुल गांधी के नाम को आगे बढ़ाती है तो विपक्षी एकता में खलबली मच सकती है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन के संयोजक के तौर पर रेस में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और शरद पवार आगे माने जा रहे हैं, लेकिन तीनों की कुछ सीमाएं हैं। नीतीश कुमार की जहां अपने ही राज्य में पकड़ कमजोर हो रही है, वहीं शरद पवार की पार्टी में हुई हालिया टूट के बाद वो भी कमजोर पड़ गए हैं। इसके अलावा जिस तरह राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी से मोर्चा लेते रहे हैं, उसे देखते हुए राहत के बाद अब वो पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि इंडिया के खेमे में लोग राहुल गांधी की लीडरशिप को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। ऐसे में अब विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक काफी अहम हो जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसलों के साथ इस विषय पर भी जरूर चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।